में आपको ये मसाज की चेयर भी मिलेगी। पिछले उसके होटल के बनिस्बत ये एंटर होते हैं तो आप ये नीचे देख सकते हैं कारपेट लगा हुआ है। कि आप लोग जब पाकिस्तान से आते हैं, इंडिया से आते हैं, यूके से आते हैं, तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू ब्लॉग। सबसे पहले दुरूद पढ़ लीजिए, सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इस टाइम जो है मैं इब्राहिम खलील रोड पर मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे होटल देख सकते हैं। आज जो है वो इस होटल का रिव्यू है और आप लोगों को बताना है कि इसमें क्या रेंट वगैरह। तो मेरे सामने जो है वो ये आप देख सकते हैं क्लॉक टावर, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और अभी जो है इब्राहिम खलील पे रौनकें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं गाड़ियाँ आ रही हैं। असल में बड़े मज़े की बात है, मुझे बड़े मैसेज आए हुए थे कि दिन के टाइम ये गाड़ियाँ हमें नज़र नहीं आती। दिन के टाइम इसलिए ये गाड़ियाँ नज़र नहीं आती क्योंकि हुज्जाज का रश होता है, हाजी आ रहे हैं, हाजी जा रहे हैं, तो इशा की नमाज के बाद जो है ये रस्ते खोल दिए जाते हैं, जिसमें बसेस वगैरह और टैक्सी वगैरह सुबह फजर मतलब सुबह जोहर तक जो है वो आपको यहाँ पर रश नज़र आता है। तो माशाल्लाह ये इस टाइम सामने जो है मेरे मस्जिद हरम के जो है वो मीनार आपको नज़र आ रहे हैं और माशाल्लाह ये पीछे जो है मेरे बहुत बड़ा ग्रुप आ रहा है। सुभान अल्लाह, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द लिल निमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, माशाल्लाह। तो अच्छा जी, इस होटल का मैंने रिव्यू करवाना है, वो मैं होटल अगर आपको दिखाऊं तो वो ये है इमार अंदोलेशिया होटल। और ये होटल में अगर आपको दिखाऊं तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है। और जैसे कि आपको पता है मैंने पिछले होटल का रिव्यू किया था वर्थ लाइट का, वो बिल्कुल ये मेरे सामने वर्थ लाइट होटल है। ठीक हो गया, ये आप बिल्डिंग देख सकते हैं जिसके 21 फ्लोर हैं और रूम मैंने आपको दिखा दिए सामने क्लॉक टावर का व्यू के साथ जो है। ठीक है, तो इसका पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी तो ये जाके वीडियो लाजमी देखें। ये वर्थ लाइट और इसी के सामने जो है इमार इंदोलेशिया। ठीक है, तो अभी जो है वो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं कहते हैं अंदर की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको होटल की लोकेशन बता दूँ, तो ये सामने जो है मेरे कबूतर चौक है, ये जहाँ पे फ्री बसेस वाला स्टैंड बना हुआ है इसी को कबूतर चौक कहते हैं। हरम शरीफ से निकले हैं तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम जो है वो 200 मीटर के फासले पे ही आप होटल आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल इसी के सामने हरम शरीफ से निकले तो मेरे ख्याल में यहाँ से आपको टोटल 6 से 7 मिनट लगते हैं सामने हरम में जाने के लिए। और यहीं पर बाहर जो है आपको फैसिलिटीज मौजूद हैं, जिसमें ये आइसक्रीम वाला, आपको शॉपिंग करनी है तो नीचे आपको शॉपिंग के साथ ही खाने वाला, ये सारा कुछ आपको अपने होटल के नीचे मिलेगा, आपको आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो है बगैर टाइम जो है कि होटल के अंदर की तरफ चलते हैं और आपको ऊपर से रूम का व्यू करवाते हैं, विजिट करवाते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। चलें जी अहमद भाई जी। तो ये रूम की एंट्रेंस है, अभी जो है वो हम रूम के अंदर की तरफ चलते हैं। और अभी जो है वो एक नया नया ग्रुप आया और अच्छा मज़े की चीज़ है, आप लोगों के शूज़ वगैरह अगर गंदे हैं तो आप वो ये इससे साफ़ कर सकते हैं, देखें ये बफ चल रहा होता है माशाल्लाह। एंटर होते साथ ही खूबसूरत सी इसकी ये और ये और ये जो है इसकी रिसेप्शन बनी हुई है, ये रिसेप्शन है और ये इनका जो है सारा सिटिंग एरिया बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं सारा सिटिंग एरिया। और उसके साथ साथ जो है अभी हमने जो है हमने जाना है ऊपर की तरफ और साथ ही में आपको ये मसाज की चेयर भी मिलेगी। ये स्टेयर्स का रास्ता है और यहाँ पर जो लिफ्ट हैं वो 4 लिफ्ट हैं, 1 2 3 4, ये 4 लिफ्ट हैं और ये बिल्कुल ज़बरदस्त है, एक माशाल्लाह सा प्यारा सा ये एक बीच में। तो अभी जो है वो बगैर टाइम जाए कि हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो जी अभी जो है वो लिफ्ट के अंदर अपनी आ गए हैं, लिफ्ट जो है वो अपनी बंद कर दी है और हमने जो जाना है वो जाना है 4th फ्लोर पे। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। और इसकी भी अगर लिफ्ट की बात की जाए तो ज़बरदस्त लिफ्ट है। ठीक हो गया, और अच्छी खासी स्पेस है कि आप लोग आराम से खड़े हो सकते हैं। अपना जो है 4th फ्लोर आ चुका है और ये आपको मैं अगर दिखाऊँ तो ये इसकी लॉबी है। ठीक हो गया, ये जो है ये इसकी लॉबी है, वो बैक पे भी लिफ्ट हमें प्रोवाइड है। ठीक होगा, और ये जो है इसका छोटा सा सिटिंग एरिया बना हुआ है, अगर आप लोग लिफ्ट में जो है वो आने में ताफीर होगी तो ये जो है रूम 224 ये जो है। ठीक है, ज़बरदस्त है ये है। तो अभी जो है वो हम चलते हैं अपने रूम की तरफ और आप लोगों को रूम का टूर करवाते हैं। मैं अगर होटल की सफाई की बात करूँ तो बड़ा साफ़ सुथरा होटल है, ज़बरदस्त सा। ठीक हो गया, और ये इमरजेंसी एग्ज़िट बना हुआ है, ये 23 है ये सामने और यहाँ पे भी रूम्स बने हुए हैं और एसी जो है वो यहाँ लॉबी में भी चल रहा है। अभी जो है ये अपने रूम का है, चलते हैं रूम के अंदर की तरफ और आपको जो है वो यहाँ के रूम का विजिट करवाते हैं। जी, तो अभी जो है आपको रूम का टूर करवाते हैं, मैं कहीं आप अंदर रूम की तरफ। और जैसे कि आपको सबसे पहले पता है कि हम वॉशरूम की तरफ जाते हैं क्योंकि सबसे पहले मेन चीज़ होती है कि वॉशरूम कैसे हैं। तो वॉशरूम में अगर आएँ तो पिछले उसके होटल के बनिस्बत ये वॉशरूम जो है वो बड़ी अच्छी स्पेस में। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊं, तो ये आपको शॉवर एरिया मैंने दिया हुआ है। ठीक हो गया, आप देख सकते हैं जो शॉवर एरिया प्लस आपको जो है वो लोशन वगैरह शैम्पू वगैरह प्रोवाइड देता है, उसके बाद ये आप इसको यहाँ से ढक सकते हैं, सही हो गया। उसके बाद ये आपको इंग्लिश सीट मिल गई है, टॉवल जो है वो आपको यहाँ पे पड़े हुए हैं धुले हुए।
उसके बाद ये आपका मिरर है और ये आप देख सकते हैं ये लाइट ऑफ हो गई है और ये लाइट ऑन हो गई। किसी ने सेल्फी वगैरह बनानी है कुछ बनाना है तो बड़ा जबरदस्त मिरर है। उसके बाद ये आपको जो है हैंड क्लीनिंग सोप है और साथ साथ ये आपको मैंने छोटे छोटे सोप्स दिए हैं, ठीक है। और आपने अपना टूथब्रश वगैरह अगर रखना है तो यहाँ पे आप रख सकते हैं, प्लस आपको टिश्यू पेपर जो है वो भी आपको प्रोवाइडेड है। तो ये वॉशरूम है और बड़ा जबरदस्त लुक में ग्रे टाइल्स के साथ, पहले का भी अच्छा था लेकिन ये वाला जो है इसकी जरा एक अपनी अलग लुक है। अभी जो है वो चलते हैं बेड की तरफ जी। तो जैसे ही उनकी एंटर होते हैं तो आप ये नीचे देख सकते हैं कारपेट लगा हुआ है, ठीक है। अपने शूज बाहर उतारे जो भी आप, उसके बाद रूम की तरफ हम एंटर होते हैं। पहला जो है हमें ये बेड मिलता है, एक बेड है, ये दो बेड है, तीन और ये चार। अच्छा, इस बेड की मैं बता दूं कि अक्सर जो है ना वो कहते हैं कि हमें डबल बेड चाहिए, तो वो अब ये दो बेड जोड़े हुए हैं, ठीक है। डबल बेड भी आपको मिलते हैं लेकिन ज्यादातर वो अपर हाई क्लास होटल्स में मिलते हैं। तो ये भी जो है ये दो बेड जोड़े हुए हैं, ये डबल बेड हो गए। सेम वही है, आप ये देख सकते हैं इसमें आपको चार्जिंग स्विच दिए हैं, ठीक हो गया। और प्लस आपको यूएसबी भी दिया हुआ है, आपने फर्स्ट टाइम अपना लैपटॉप चार्ज करना है, कुछ भी चार्ज करना है, फोन में लेदर चार्ज करना, तो उसके लिए आप देख सकते हैं ये स्विच आपको दिया हुआ है, आप इसमें अपना यूएसबी लगाएं और चार्ज करें। और पीछे ये माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त दिया हुआ, उससे प्यारे प्यारे अल्लाह पाक के नाम खूबसूरत से, ठीक हो गया। और इस साइड पर आए तो अब आप लोग कह रहे होंगे कि उसमें दिए में दो तो बाकी दो के किधर है, तो बाकी दो को मैं आपको दिखाऊँ। तो ये लगे हुए, ठीक हो गया। और साथ ही साथ ये आपको छोटी सी मैंने कैबिनेट दी हुई है, टिश्यू पेपर हैं वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। और ये माशाल्लाह वुडन में सारा और अल हलीम अल्लाह पाक का नाम खूबसूरत सा। और उसके बाद आ जाए तो ये जो है हमें मिल जाती है इसका अलमारी वार्डरोब मिल जाती है, सेम इसी तरह नीचे आपको जो है वो लॉकर मिला हुआ है, सेफ आपको मिला हुआ है। आपने अपनी कोई कीमती चीज़ रखनी है, कोई पैसे रखने हैं, आपने हरम जाना है, आप इसके अंदर आके इसको लॉक लगा कर रख सकते हैं। और ये तीन शेल्फ्स हैं, ठीक हो गए, जनमाल इसके अंदर पड़ा है। दूसरी शेल्फ खोली जाए तो ये आपको कपड़ों के लिए मिल जाएगी, हैंगर इसके अंदर मौजूद हैं, आप अपने कपड़े रखें, यहाँ पे अपना बैग रखें, ठीक है। बैग आपने अपना ऊपर रखना, ऊपर रख सकते हैं। तो अभी जो है उसको बंद करते हैं, बंद ये होगा। अच्छा जी, अभी फ्रिज, ये फ्रिज है आपका साफ सुथरा फ्रिज है, ऊपर जो है ये फ्रीजर और नीचे। और मैं आपको दिखाऊं तो ये तरह दिखाना, फ्रिज अक्सर होटलों में ख़राब होता है और ये आप ये देखें कि अंदर बर्फ किस तरह जमी हुई है। अहमद भाई क्या कर रहे थे, बर्फ उतार ले यहाँ से। अच्छा जी, इसको बंद करने के बाद ये आपको चार पानी की बोतलें, सेम उसी तरह कि आप लोग जब पाकिस्तान से आते हैं, इंडिया से आते हैं, यूके से आते हैं, जहाँ जहाँ हमारी वीडियोज देखी जाती हैं, आप लोगों की मोहब्बत है और आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया। बात ये तो मैं आपको बता रहा था कि आप लोग अक्सर ये इलेक्ट्रिक कैटल जो है वो आप लेकर आते हैं, आपको खरीदनी पड़ती है, या यहाँ पे आप जब जाते हैं अपने मुल्क तो उसको छोड़ के फेंक के चले जाते हैं। तो इन होटल में आपको लाने की जरूरत नहीं है। ये मैं अगर आपको रिकमेंड पानी हटा देते हैं, अहमद भाई ये आप दिखा सकते हैं, ये पूरा एक उन्होंने इलेक्ट्रिक ट्रे बनाई हुई है जिसमें आपको दो छोटे दो बड़े ग्लास आपको मिलेंगे, ठीक होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक कैटल है, प्लस आपको ये लिप्टन टी और शुगर वगैरह हर चीज़ मिलेगी। और साथ साथ ये आपका जब आप रूम के अंदर एंटर होते हैं तो आपके इस्तकबाल के लिए आपको पानी वगैरह आपका रखा हुआ है। उसके साथ साथ ये जो है आपका एसी का रिमोट और ये है जी टीवी का रिमोट, ठीक हो गया। ये टीवी का रिमोट है और अक्सर ये कहते हैं कि जी एलसीडी वगैरह चल नहीं रही होती, तो ये है, आप ये देख सकते हैं ओपन है, ठीक है। इसमें आप एचडीएमआई करेंगे तो वो आपको हरम का दिखाना शुरू कर दे, इसको जो हम करते हैं बंद। उसके साथ साथ ये हमें एक और छोटी शोकेस हमें मिल जाती है, कैबिनेट जिसमें आप अपना कुछ भी रख सकते हैं। तो ये साथ साथ ये एसी लगा हुआ है। अच्छा, पिछले होटल में जो था वो एसी अंदर इंस्टॉल था, इसमें जो है वो एसी बाहर है। और साथ साथ ये फायर अलार्म वाले लगे हुए। तो जी, तो ये एक खूबसूरत सा रूम था, ज़बरदस्त सा, ठीक हो गया। इसका मैंने कहा आप लोगों को मैं टूर करवा दूँ। आप अगर इसके रेट की बात की जाए तो अहमद भाई रेट इनको बता दें क्या जी, बताना पड़ेगा रेट। अच्छा, वो अक्सर कहते हैं जी बहुत महंगा है, तो अभी आपको मैंने लोकेशन बताई है, 200 मीटर के फासले पे 250 लगा लिया, ठीक है। मैक्सिमम 6 से 7 मिनट हरम में लगेंगे। और अगर इसके रेट की बात की जाए तो आप बता दें हमें भैया, या मैं बताऊँ? चलिए मैं बता दें, इसके रूम की रेट की बात की जाए तो ये आपको 210-220 में मिलेगा। अब आप लोग कहेंगे कि वो सामने वर्थ लाइट था, उसका आपने रेट ज़्यादा बताया। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लें, इसका क्यों कम बताया। उसमें आपको क्लॉक टावर व्यू मिल रहा था, ठीक हो गया। इसमें जो व्यू मिल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, वैसे इसमें जो है ना वो आपको सिर्फ ये इब्राहिम खलील का व्यू मिलता है। खोल दो, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, ये जो है साल आपको
बाहर का जो है इब्राहिम खलील रोड का कभी जो है इसको बंद करते हैं क्योंकि जो है ठीक हो गया। आपका रूम हो गया लॉक। जी तो ये रूम का टूर था जो कि मैंने आपको करवाया और अभी जो है वो चलते हैं भाई की तरफ और जाके अभी तंग करते हैं रेहान भाई को क्योंकि रेहान भाई जो है वो इस टाइम मौजूद है रूम में रुके हैं उनको जो तो ये रेहान भाई आगे अभी जो है चलते हैं अंदर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम या शेख। और ये भी मैंने आपको जिस तरह पिछले रूम विजिट करवाया इसमें थोड़ा सामान वगैरह पड़ा हुआ तो LCD वगैरह उसी तरह 1, 2, 3, 4 बेड हैं और ये खूबसूरत सा व्यू है जी। ठीक है ज़बरदस्त सा व्यू है जी। अब रेहान भाई का थोड़ा सा इंटरव्यू लें इतने अरसे से कहाँ पे गए जी भाई। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है खैरियत है। मैं ठीक ठाक जनाब। अच्छा मुझे ये बताएं पिछली वीडियो पे माशाल्लाह सुनने बड़ा रिस्पांस आपको मिला। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। अच्छा जबरदस्त। अच्छा न्यू न्यू वीडियोस बनाई थी तो इसलिए कुछ किसी को बुकिंग दी किसी को नहीं दे पाया सही तो माशाल्लाह मक्का मदीना का काम स्टार्ट किया हुआ वापस माशाल्लाह। तो अभी ये है कि इंशाल्लाह जो भी रिस्पांस आएगा जो भी मतलब होगा इंशाल्लाह सबको। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं मैं आपकी बात काट रहा हूँ वसीक मोहम्मद वसीक मक्का फैमिली के लिए जो है वो आपने खुसूसी अच्छा सा तावन करना जिस तरह पहले करते हैं उसी तरह आपने तावन करना ठीक है। और मैंने होटल्स का जो है वर्थ लाइट का और आज मैंने इनको इमार इंडोनेशिया का मैंने इनको विजिट करवाया रूम इनको मैंने दिखाया तो अभी ये है कि मैं नीचे नंबर आपका दे दूंगा ठीक हो गया कोई मसला वगैरह तो नहीं है कुछ ज्यादा लोगों ने तंग तो नहीं किया। नहीं नहीं तंग तो किसी ने नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया तंग क्योंकि अक्सर होते हैं ना बस लोग कुछ होते हैं वो पूछते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऑडियंस उस तरह की नहीं है जिसने पूछना है उसने मैसेज करना उसने बुकिंग करानी है। ये आप लोगों की मोहब्बत आप लोगों की रिस्पेक्ट आप लोगों के लिए हम यहाँ पे हैं और आप लोगों के लिए जो है वो हम आपकी वीडियोस बना के खिदमत कर रहे हैं तो मैं फिर आपका नंबर दे दूंगा इंशाल्लाह ठीक हो गया आपका भी नंबर दे दूंगा अपना भी नंबर दे दूंगा। और इसी के साथ यहीं पे ब्लॉग को खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना अगर अभी तक नहीं किया और वीडियोस को लाजमी शेयर आपने करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।